आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिलबर न्यूज़ और मैं आपका दोस्त साजिद दिलबर। दोस्तों, मामला सरदाना के झटकड़ी रोड का है, जहां कब्रिस्तान पर विवाद चल रहा था। जनाजे को लेकर मुस्लिम समाज के लोग जब कब्रिस्तान में दफन के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि त्यागी समाज के कुछ लोग कब्रिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर दोनों में काफ़ी झड़पई और उसके बाद वहाँ से कब्जा हटाया गया। बलबे की सूचना किसी ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और दोनों पक्षों की बातों को शांतिपूर्वक सुना। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि त्यागी समाज के कुछ लोग कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं त्यागी समाज का कहना था कि वो अपनी ज़मीन पर निर्माण कर रहे थे, जिसका कब्रिस्तान की ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों तरफ से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और दोनों पक्षों को थाने बुलाया और यथास्थिति बनाने के आदेश दिए, यानी कि जैसे हालात हैं उन्हें ऐसे ही रहने दिया जाए जब तक कोई फैसला ना हो। 100 कट्टे सीमेंट के, 2 ट्रक रेत के, पानी के टैंकर और तकरीबन 150 लेबर यहाँ पे मौजूद थी और कब्रिस्तान में अवैध कब्जा करने की कोशिश करी जा रही थी जी, जिसको ऊपर वाले की दया से नाकाम कर दिया गया है। यहाँ पे अभी महकमा भी मौजूद है, SDM साहब ने इस मैटर को संज्ञान में ले लिया है। कागजात जो कब्रिस्तान की कमेटी है उसके पूरे हैं और उन्होंने अपनी पुख्ता रिपोर्ट जो है महकमे को और शहर के जिम्मेदारों को, या चेयरमैन भूतपूर्व चेयरमैन निज़ाम अंसारी साहब भी मौजूद हैं। हमें हालात से जब अवगत कराया गया तो उस टाइम यहाँ पे कब्जा हो रहा था लाइव। आप अगर इसे वीडियो को घुमा के देखेंगे और यहाँ नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको ईंटें दिखाई देंगी जो पब्लिक ने उठा के बाहर फेंकी। अब मौजूदा मुद्दा क्या है कि 1820 का एक रकबा है और उस पर अवैध कब्जे की कोशिश करी जा रही है। ये पैतृक संपत्ति थी नवाब सरदना की, अला हबीब शाह की, उनके पुत्र ने यह मंगत राम को एक वक्त में भेज दी थी। उसमें एक फैसले हुए और उनके जो बड़े भाई थे जो ex IG उत्तर प्रदेश रह चुके हैं आगा मोइनुद्दीन शाह, उन्होंने ये जमीन जो है वो कमेटी को 18 साल पहले कब्रिस्तान की कमेटी को भेज दी थी जी, और इसके कागजात पूरे मौजूद हैं जी। अब आज जो विवाद बना है वो इस चीज का बना है कि कब्रिस्तान पे अवैध कब्जा क्यों करा जा रहा है। ये तो ऊपर वाले की दया हो गई, अल्लाह की रहमत हो गई कि यहाँ पे एक दफीना होना था। जो जिम्मेदारों को, जो इस कमेटी के जिम्मेदार है और आम पब्लिक को पता लग गया, यहाँ बहुत अजीब माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही थी, इसको आके जिम्मेदारी से रुकवा दिया गया। महकमा भी मौजूद है, SDM साहब के संज्ञान में ये बात डाल दी गई है। कागजात सारे दोनों पक्षों के दिखा दिए जाएंगे। जिस व्यक्ति ने यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करी उनके अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है और उनकी कोई भी डिटेल है वो महकमे से जाके बात करें, कब्रिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच। मुखिया परिवार रहता है, दूसरे लड़का जी सत्ता जो एक्सपायर का, उसके लड़के ने वैभव नाम है, उसने रात में इसमें कब्जा करवाने की कोशिश करी। लेबर भी मुझे ताज्जुब होता है कि लगभग 150 लेबर के आज 3:30 बजे रात में, 3:30 बजे रात से काम शुरू हो रहा है। आज जो तुम्हारी अपनी जमीन थी बस दिन में बनाते, इसका नक्शा पास करवाते, जब जाकर निर्माण कार्य करते तो बिल्कुल ही अंधेर खाता होगा। जिसकी जहाँ मर्जी आ रही है वही कब्जा कर रहा है। जमीन के बारे में जाँच होनी चाहिए और शहर के बारे में जहाँ जहाँ कब्जे हो रहे हैं उनकी सबकी जाँच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी या जो भी इसमें आदमी बोले उनका खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कोशिश की गई थी उसके बाद में 14 जो तालाब है सरदना के वो उन पर कब्जा हो चुका है, कुल मिला के सरदना निर्जुल मुक्त हो चुका, क्या कारण हो सकता है भाई? प्रशासन, ये तो प्रशासन जाने वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा, कहते सत्ता का दबाव मान लो या कुछ भी मान लो। हमारे तो प्रशासन से भी मांग है कि नगर पालिका जो ये जमीन है सरकारी, रजूल, बंजर, झोर, तालाब, झरने जितने भी हैं उनकी निगरान होती है। हम अधिकारियों को सूचित कर देते हैं, अब अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें।